टिक टिक चल रहा है, बड़ी आवाज में बात करोगे आप जो भी हो, जी ऊंचा बोलो, ऊंचा जो भी बोलना है ऊंचा बोलो, जो भी बोलना है ऊंचा बोलना है, ताकत से बोलना है, ताकत से बोलना है, गुस्से से बोलना है, गुस्से से बोलना है, बड़ी बड़ी आंखें करके गुस्से से देखना भी है, आंखें इधर। समरीन को शादी से पहले या शादी के बाद बुखार आया था, आंखें इधर रख के बात कर। जी जब बच्चा पेट में था ये वाला, इसके बाद तेज बुखार आया था, जमीन पे सो रही थी, हाँ बड़ी आंखें करके बात कर, फिर क्या हुआ था? फिर पेट में दर्द हुआ था, मोशन हुए थे, उसके बाद में डॉक्टर के पास गई थी, जो मेरी डॉक्टर थी, फिर ठीक है, आंखें बड़ी करके बात कर, फिर अम्मी के घर पे चली गई थी, फिर और उसके बाद अम्मी के घर से वापस आ गई, फिर हाँ जो मेगा दिन था उस टाइम में जो बच्चा मिला है, हाँ बच्चा मिला मतलब, ऑपरेशन से मिला था। हाँ ठीक है, फिर आगे? आगे फिर मैं घर आई हूँ, हाँ फिर घर से अम्मी के घर पे गई, फिर ठीक है, वापस आई, हाँ वापस आई उस टाइम अपने घर पे रही, हाँ अपने घर पे गई, तो उसके बाद में अपने बोल 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 बोल, रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी बोल, पूरी ताकत से बात कर हमसे। फिर एक साथ एक रात हम मियाँ बीवी हाँ बोलता रहे, बोलती रहे, हम बिस्तर हुए थे, हाँ ठीक है, हाँ उसके बाद में आके दो दो के सो रही थी, हाँ एक आदमी था, आदमी था ये पता नहीं था, आदमी कौन था? आदमी ये पता नहीं था, मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये पता है सिर्फ मेरे साथ सो रहा था बिल्कुल जाम होके। आप समझ में आ रही है मेरी बात? पहले मैंने तेरे को बात बोली, समझ में आ रही है? बच्चे किसके थे? आगे आगे फिर मेरे बच्चा हंस रहा था, फिर मैंने देखा 5 मिनट के बाद वो तो उठ गया, मुझे नहीं पता, फिर उसके बाद मैंने बच्चे को देखा पलट के, तो वो हंस रहा था, हंस रहा था, उसके बाद फिर मैंने सोने की कोशिश की, सो रही थी, उसके बाद मेरे सर को यूं खींचा, ठीक है, उसके बाद मैंने अपने मियाँ को आवाज दी ठीक है, जोर जोर से, ताकत से बोल, असर का टाइम था, मियाँ को मैंने हाँ बोला उठो मेरे, ये लोग सोने नहीं दे रहे। और और दूसरी बार दूसरे दिन शाम के टाइम में खाना खा रही थी, खाना खा रही थी, उसके बाद मेरे वॉशरूम से, जो वॉशरूम है उसके बाहर पायदान है, उसमें से हाँ, शोला हुआ मेरे बच्चा कफन में लपटा हुआ था, शोला हुआ शोला हुआ, अचानक से वो आदमी निकला कहाँ से? शोला हुआ मेरे बाथरूम के बाहर, पायदान से? शोला हुआ पायदान, पायदान यूं है, हाँ, पायदान से शोला हुआ, मतलब आग निकली, आग नहीं निकली, उसकी फिर रोशनी हुई, आदमी निकला, एक मिनट अजान होने दे इसको, बेटा जरा रोक दो यहाँ से, एक इसमें कहीं वहां पॉज का बटन होता है ऊपर, जो बात करनी है क्रॉस और सच बोलती रहे। क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद जो हुआ ना, आंखें की जगह पे उसके बाद तेरा दम घुटेगा, तेरी घबराहट होगी, तेरे सीने की धड़कन बढ़ जाएगी, जी, उसके बाद मेरे इसका फिजान, मतलब है कि वो आना शुरू हो जाएगा। क्या? फिजान को लेके स्टोर रूम में, जो जहां मैं खाना पकाती हूँ वहां अंदर दीवार में घुस गया, उसके बाद मैं चीखी रोई, फैजान कौन है? मेरा बच्चा, ठीक है, फिर क्या हुआ? पहले उसके बाद मेरे बच्चे तो तूने बोला शोले निकले, पायदान शोले निकले, से शोले निकले, मतलब कोई आग निकली जी शोले, ये बाथरूम के बाहर, कब की बात है ये? तकरीबन 2 महीने की बात है, नहीं 2 महीने, मतलब आज से 2 महीने पहले नहीं ये अभी 2 महीने हो गए, इस बात को पूरे 2 महीने हुए हैं, शोला बाथरूम से तू निकली, नहीं मैं नहीं निकली, मैं बेड पे बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, उससे अचानक शोला शोला निकला, बड़ा सा आदमी था, लंबा लंबा, शोले से निकला, पायदान जी के शोले से, जी बाथरूम का पायदान, जी फिर उसके बाहर सारे स्टोर रूम की दीवार में घुस गया, बच्चा हाथ में था, कफन में लिपटा हुआ था, किसका बच्चा, मेरा बच्चा, फैजान कौन सा? अच्छा नाम है, तो जिंदा है तो ये फैजान तो जिंदा, इस बच्चे का नाम क्या है? फैजान अहमद नाम है, जो लेके आई हूँ आज मैं यहाँ, तो कफन में लिपटा हुआ कौन था, मेरा बच्चा कौन सा वाला? फैजान, मेरा मेरे यही तरफ, बच्चा? जी मेरे तरफ मुंह था, और उसका मुंह जो आदमी का मेरे तरफ नहीं था, उसका मुंह सिर्फ दीवार की तरफ था, बच्चे का मुंह मेरे तरफ था, मैंने खाना छोड़ दिया, 3 दिन मेरा सर मेरा एक जगह पे नहीं था, मुझे डर था मेरा बच्चा ये लोग ले जाएंगे, मेरा बच्चा 5 साल के बाद हुआ है, पहले भी तो तेरे 3 बच्चे ले गए ये लोग, हाँ या ना? आंखें इधर, पहले जी ये ले गए, भी ले गए थे, हाँ या ना? आंखें इधर, तकलीफ होगी बर्दाश्त करना है।
आंखें इधर बर्दाश्त करना है, बोला ना जी बच्चे ले गए। गुस्से से दुश्मन की जब जब तरह, जब दुश्मन की तरह मैं जब देखना पहली है। पहली बार मेरी शादी हुई, जुम्मे का दिन था। पहली पहली बार शादी पहली दफा होती है, दो दफा होती है क्या? नहीं, शादी हुई जब मैं घर में आई जुम्मे का दिन था। मैं नहा धो के और फिर खाना खा के, शादी हुई मतलब कितने साल पहले की बात कर रही है अब? एक ही साल में शादी जब हुई, शुरू 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 में शादी हुई, जुम्मे का दिन था ना, हाँ तो मैं सो रही थी दोपहर के टाइम में। तो हाँ दोपहर के टाइम में एक बड़ी बड़ी आवाज आई, हाँ उठो उठो उठो, इस जगह से उड़ जाओ। वो भी इस तो बेड पड़ा हुआ था मेरे कमरे में, बेड पे सो रही थी। हाँ मैंने मैंने उठ के चादर भी नहीं पहनी, दरवाजा भी नहीं बंद किया, नीचे चली गई। हाँ उसके बाद मैंने मुझे डर लगा। उसके बाद मैं अपना काम वाम करती थी, बाहर बाहर से आती थी, रात को कपड़े धो रही थी। उस टाइम मैंने एक बड़ा सा दाढ़ी वाला आदमी देखा, वो हाँ दीवार में वो भी घुस गया। उसके बाद मियाँ की शक्ल में देखा, चारपाई में बैठा था, मुझे सलाम किया उसने। उसने बोला के अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मेरा मियाँ आया, मैंने बोला अभी अभी तुम आए थे, फिर तुम कहाँ चले गए? सुभान अल्लाह। दो शक्ल, एक ही मर्द की दो शक्लें, दो उसके मर्द तेरे देखे अपने, एक अपने शोर को देखा और एक उसको देखा। फिर जी उसके बाद वो तो उसने बोला, उसके बोला मेरे मियाँ ने, मैं नहीं था, कोई दूसरा होगा शायद, मैं तो नहीं था ये तो नहीं था, लेकिन शक्ल तो उसी की थी ना। जी, मेरे मियाँ की थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लोगों को समझाता हूँ, समझ में नहीं आती बात। मेरे मियाँ अगर की ये शक्ल बात थी, मेरी बेटी या मेरी बहन करेगी ना, अपने घर वालों को बोलेंगे पागल है। मेरे मियाँ की शक्ल थी। उसके क्या बाद बोलेगा? पागल है वह, मैं तेरा ऐसे बोलेगा ना? यही बात तेरी बीवी बोलती तो क्या बोलता पागल हूँ, तू? इस गरीब पे गुजर रही है, इसको पता है ना? घर वाले बोलते पागल है, दिमाग सही नहीं है इसका, दो दो शोर चूना लगा रही है शोर के नाम का। आगे बोल बेटा। उसके बाद शुरू शुरू में जो हुआ था मेरे मियाँ के साथ हुआ था। मेरा मियाँ सो रहा था, मेरे मियाँ के साथ हरकत हुई, गंदी सी गंदी हरकत हुई। मियाँ मेरे के साथ? मियाँ के साथ, मियाँ सो रहा था, उसकी शलवार उतार के उसके सर के नीचे रख दी। मेरे मियाँ सुबह में उठ के मुझे बोला, मेरी शलवार क्यों उतारी? मैंने बोला मैंने नहीं उतारी, मैंने नहीं उतारी कसम से। उस टाइम मियाँ हंस के चुप हो गया। मैंने बिना ये नहीं बताया किसने उतारी, क्या हुआ ये नहीं बताया। उसके बाद मेरे जो बच्चे गए ना, तीन तीन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मुझे नजर आते थे, बच्चों के लिए रोती थी हंस के। मैंने बोला ये रोती थी रोती थी रोती थी। फिर रात के टाइम में कभी लड़की नजर आए, कभी लड़का नजर आए, मेरे हाथ पांव यूं यूं हिला कर चले जाए, ये मुझे नहीं पता चलता था। अब मैं शोर को भी देखेंगे इंशाल्लाह। शोर के भी साथ हरकत हुई थी। और ठीक, शोर परेशान है, हम रोजी के लिए परेशान है, हाँ बोलती रहे घर बोलती रहे बोलती रहे। घर में रहते नहीं है। मेरे देवर सामने बैठा हुआ है, हम 1.5 महीने से बाहर है, अपनी अम्मी के घर पे, बहुत ठीक है, अब अपने घर पे अच्छा। रहोगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, अपने घर पे रहोगे। और बोलो, कौन और दूसरी बात ये है कि मेरा बच्चा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सा मुझे बच्चा? दूसरा भी बच्चा, अल्लाह देगा तुझे। और बोल, यहाँ बैठी है ना, तुझे जो मांगना है मांग, बस ये मांगती हूँ मैं, रोजी के लिए बहुत तंग रोजी हूँ। भी खुल जाएगी, वादा है हमारा। और बोल, काम हमारा तेरा हो जाए अल्लाह के से आज की तारीख में, तो कल से सारे काम शुरू हो जाएंगे सही। जितना भी ये मियाँ कमा के लाता है, कर्जा तो है हमारे ऊपर, अल्लाह मगर आसानी करेगा तुझे। अब सारी बातें हो गई हैं, अब भी कुछ कहना है तो मैं अपना काम शुरू करूं। मुझे दूसरी बात ये है कि आंखें इधर, बड़ी आंखें, गुस्सा, दुश्मन मुझे वो बहुत तंग करते, जो तंग बहुत करता है उसकी मार ठोकूंगा ना, अभी बोला ना। तंग करते, बहुत तंग जो करते। बहुत तंग करते हैं उन सबको रगड़ा भी दूंगा तेरे सामने, दिखाऊंगा तुझे, वीडियो पे देख लेना क्या किया मैंने उन सबके साथ। वो आंखें इधर रख, आंखें बड़ी कर, गुस्से से देख के शोर के साथ बहुत पिटेगा। हम सबरीन के निकल के बार बार कर पाए करेंगे। आंखें इधर रख, समरीन से हट के बात करेगा हाँ या ना? तू कुत्ते, तुम लोगों ने दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ने दिया इसको, है रुकावट डाली दरूद शरीफ में तुम लोगों ने, हाँ या ना? आंखें इधर, दुरूद शरीफ में रुकावट डाली तुम लोगों ने? आंखें इधर, दुरूद शरीफ पढ़ने नहीं दिया गरीब को तुम लोगों ने? बोलो, समरीन को जानते हो तुम लोग? इस औरत को जानते हो हाँ या ना? इस औरत का नाम समरीन है, तेरा नाम समरीन है? हाँ, ऊंचा बोल, ताकत से बात कर लड़की, जरा मेरा नाम समरीन है, मेरा जान लगा के बात कर। नाम समरीन है समरीन को जानती है तो जी, अच्छी लगती है, जी छोड़ दूं या जान से मार दूं समरीन को? रखो, बना के रख के बात कर।
सबरीन को छोड़ दूंगा जान से। एक जगह पे रखा के कुत्ते। समरीन का बच्चा है, समरीन को छोड़ दो। बच्चा बच्चा समरीन का है, वो अल्लाह का माल है, तो अपनी बात कर। समरीन को छोड़ दो या जान से मार दो। तुम्हारा ताल्लुक समरीन से, इसके शोर से? मुश्ताक को जानते हो तुम लोग? जी। कौन है मुश्ताक? मुश्ताक समरीन का शोर है। तेरा तो नहीं है? तेरा है या समरीन का है? आंखें बड़ी करके बात कर। मुश्ताक शोर किसका है, समरीन का या तेरा? समरीन का है। तेरा तो नहीं है ना? मेरी आवाज आ रही है? जी। अगर देर से आ रही तो चमाट मार के दो। नहीं आ रही है। शोर समरीन का तेरा? समरीन का है। मुश्ताक शोर समरीन का है। समरीन को तेरे को छोड़ दो या जान से मार दो। जो मेरे अंदर है, आंखें इधर, जो मेरे अंदर है उसको उसी को मारना है। उसी को मार दो। तो आंखें बड़ी करके गुस्से से देखना तू मेरे को, बड़ी बड़ी आंखें करके दुश्मन की तरह। मैं बात तो करूंगा ना उससे अभी। उसी को तो बुला रहा हूं। दौड़ लगा दे यार, पकड़ो इस औरत के साथ कौन कौन है, उसके शोहर के साथ कौन है, पकड़ो। बात करो मेरे से, उसको ही पकड़ो जो इसको घर में ऐसे दे दे। एक जगह पे रखो, इस औरत को छोड़ दूंगी जान से। समरीन को छोड़ दूंगी जान से। मेरी आवाज देर से आती तेरे कान में, कान खोल दूं तेरे। जो समरीन के अंदर है उसको मार दो, समरीन को छोड़ दो। समरीन के अंदर है, समरीन हटेगी तो वो आएगा ना। समरीन हटेगी तो उसकी हाजिरी होगी ना। जिसको हमसे डर लगेगा ना वो समरीन के अंदर है। समरीन तो हमारी बेटी है, समरीन को डरने की जरूरत नहीं है। आंखें बड़ी कर मैंने, दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त क्या तकलीफ हो रही थी? आधे में रुक जाता है दुरूद शरीफ। तुमने दुरूद शरीफ पढ़ा, क्या तकलीफ हुई? तकलीफ कुछ नहीं, थोड़ा सा पसीना हुआ, दुरूद शरीफ रुक जाता है आधे में। रुकावट हुई ना? आंखें बंद कर, बोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताकत से। जैसा हम बोलते हैं ऐसा पढ़। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
करके सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह, सुभान, तेरे को बोला मैंने सुभान अल्लाह। आंखें खोल के रहो, पिटेगा। खिलाफत से बात करनी हमसे? हाँ यार। मैंने पूछा शराफत से बात करनी है या पिट के बात करनी है? बात करनी है। चलो शराफत से बात करनी है। इसको छोड़ना है, इसके साथ रहना है, इसको छोड़ना है। चलो इसको छोड़ना है। किसको? किसको? मियां के साथ रहना है जो मेरे अंदर है, इसको छोड़ना है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, आंखों में आंखें डाल के गुस्से से दुश्मन की तरह देख। मैंने पूछा समरीन को छोड़ना है या इसके साथ रहना है? कोई चोर बदारी नहीं करना तुमने। समरीन को छोड़ना है। कहाँ जाओगे छोड़ के? कहाँ जाओगे? आंखें इधर, कहाँ जाओगे छोड़? कहीं भी चले जाएंगे मगर समरीन को छोड़ेंगे। कितने हो तुम? हमारी पूरी फैमिली वहां रहती है। कहां? उसी घर में। कितनी फैमिली है वहां? एक औरत है, बच्चे हैं, आदमी है। तुम्हारी फैमिली? हाँ। मुर्दों की फैमिली होती है?